अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं चिकन नहीं पनीर हंगामा बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी एकदम यम्मी सी लग रही थी ये वाली रेसिपी। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना। तो मैंने पनीर के लंबे लंबे स्लाइस जैसे इस तरह से काटे। अगर आपको मतलब इस तरह से नहीं काटना है तो आप स्मॉल पीस में भी कर सकते हो। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स मतलब पानी डाल के उसको मिक्स करके रख दिया था। और काजू आपके पास तो आप चाहिए तो अखे जो काजू रहते वो, या तो फिर चॉप जो टुकड़ा टुकड़ा काजू रहते। मैं खासकर तो टुकड़ा काजू ही यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए। अगर वो ख़त्म हो जाए बाय चांस तो मैं अखे वाले काजू यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर बस तेल गर्म हो गया था और तेल गर्म होने के बाद मैंने पनीर को डिप करा था कॉर्नफ्लावर। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो मैदा की स्लरी बना के आप उसके अंदर डिप करके उसको फ्राई कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे भी आप फ्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर एक एक मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और फ्राई करके फिर मैंने उसको साइड में निकाल के रख दिया था। और ये जो रेसिपी थी ना, सच में इतनी अच्छी बनी थी ना, मैं क्या ही आपको बताऊँ। मतलब पनीर की रेसिपी, अगर आप जो उसका मसाला रहता है वो सब अच्छे से भून जाओ उसको, जब अच्छे से बन मतलब उसमें ज़्यादा पनीर जैसे बनाते हैं ना हम, तो उसमें कुछ ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना चाहिए उसमें। अगर ज़्यादा मसाला ऐड कर देना तो पनीर का जो टेस्ट है ना वो कम आता है। तो एकदम सिंपल सिंपल ही मसाला रहता है उसमें, खास कर तो कांदा मतलब अनियन और टमाटो लहसुन बस यही रहते हैं, थोड़े बहुत मसाले और थोड़ा सा काजू उजू रहता है। उसी के पैसे ये पनीर का पनीर जो रेसिपी वो बहुत ही अच्छी बनती है टेस्टी। तो बस मैंने पनीर को अच्छे से फ्राई करके निकाल दिया था और उसी तेल में मैंने लाल सूखी मिर्ची जो रहती है उसको थोड़ा फ्राई कर दिया था। और ना आप फ्लेम को स्लो कर देना, फास्ट नहीं रहे, क्योंकि फिर वो जब मिर्ची डालते ना तो एकदम तड़क के ऊपर आती हो और फिर बाय चांस आपको फिर डर, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ठीक है, तो मैंने स्लो फ्लेम करके उसमें मिर्ची लहसुन और ये टुकड़ा काजू ये सब डाल के फ्राई कर लिया था, क्योंकि हमको बाद में इसका पेस्ट बनाना है ना। इसके लिए मैंने तो आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसके अंदर तो मसाला पनीर का हम जो भी मसाला रहेंगे ना इसमें, खास अगर काजू और कांदा लहसुन कांदा और टमाटर ये सबको एक साथ भी अगर आप पीस के बनाएंगे ना पनीर बनाने के टाइम, तो भी ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती, क्योंकि हम इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करते ना इसीलिए। फिर मैंने इसी के अंदर 2 चम्मच टमाटो केचप भी ऐड करी थी। ये टमाटो केचप के डालने से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था पनीर में, क्योंकि आप अगर टमाटो केचप की जगह आप ये सिंपल जैसे टमाटो डालते ना तो वो अलग टेस्ट आता है। और टमाटो केचप डाल के अगर आप उसको मिक्स कर मतलब भून के अच्छे से उसका पेस्ट बनाएंगे ना तो उसका अलग ही टेस्ट आएगा। आप बिल्कुल इसी तरह से करना। तो आप मुझे कमेंट में खुद ही बताएंगे कि आपके घर में जब आपने ये बनाया रेसिपी तो सबको कितनी पसंद आई थी। ठीक है, तो मैंने फिर तेल जो था उसी के अंदर अनियन को फ्राई कर दिया था और जो मसाला था मतलब अनियन फ्राई करके निकाल दी थी, क्योंकि उसको ज़्यादा हमें मालूम नहीं, अनियन तो हल्का से ऐसी लाइट कलर सा रहना चाहिए, ज़्यादा उसको नरम नरम सा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका भी अलग ही टेस्ट होता है। फिर हम उसके बाद उसको निकालने के बाद हम अपना मसाला डाले थे। और हाँ, इसके अंदर ना हमको जैसे सोया सॉस मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो जो हम लोग जैसे बाहर से मंगाते हैं चाउमीन ये सब, तो उसके साथ मुझे सोया सॉस का जो पैकेट था अच्छा था कि मुझे मेरे पास रखा था, तो मैंने उसको उसमें यूज़ कर ली थी। और ये देखिए, मैंने ना वीडियो देखी नहीं और उसको मतलब सीधा करना भूल गई थी, ऐसे अपलोड कर दी, तो उसके लिए बहुत सॉरी। तो बस मैंने फटाफट सोया सॉस डाल दिया था और जो मसाला मैंने पेस्ट बनाई थी वो सब डाल के उसको अच्छे से भून लिया था। और इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाला भून के ही जो भी था भून के ही हमने उसका पेस्ट बनाया था। तो बस ये 10 से 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है, 6-7 मिनट में मैंने अच्छे से भून गया था। फिर उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, अगर आप उसमें चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसमें हल्का सा एक गिलास छोटा वाला एक गिलास पानी डाल के इसको हम रेडी कर देंगे। और पनीर डाल के जब उसको हम आप पराठे के साथ जब खाएंगे ना तो ये इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही मैं बताऊँ आपको। सबको इतना अच्छा लगा ना ये वाली रेसिपी, तो सबने तो यही बोला था कि बार बार हमें यही वाला बनाना, मगर मुझे ना जैसे हमेशा एक ही चीज़ बनाना एक ही साइड तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं हमेशा अलग अलग ही टाइप का जैसे चिकन का सालन मटन का सालन पनीर जो भी है वो मेरा अलग अलग ही तरीके का रहता है, हमेशा एक ही नहीं रहता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर में पनीर हंगामा रेसिपी कैसी लगी। और लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये देखिए मेरी बनके तैयार हो गई रेसिपी।
पनीर की, और इतनी अच्छी, और जो सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी और चावल के साथ जब खाओ ना तो इतना मज़ा आता है ना। माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।